अगर शरीर को छेड़ दिया जाए और सही अगर गाइडेंस नहीं हो, सही डॉक्टर के हाथ में नहीं जाए, तो उस उसमें परेशानियां लगातार निरंतर उसकी बढ़ती ही जाती हैं। बेतिया वासियों को, बेतिया नगर निगम वासियों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि गरिमा जी को चुनकर और ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। बहुत कंपटीशन था, बहुत चढ़ाव ऊपरी था, लेकिन बेतिया के लोग ने जिस तरह का अपना समर्थन किया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि अच्छे लोगों का चुनाव हर जगह हो, हर जगह गरिमा शिकारिया जैसा लोग आए और हर नगर परिषद नगर निगम की विकास हो। करने वाले इतने बड़े बड़े संत महात्मा हुआ करते थे, कैसे अपने शरीर को इतनी तपती हुई गर्मी में भी, कड़ाके की ठंड में भी, भरी बरसात में भी, बिना तन पे कपड़ा लिए कैसे अपने शरीर को बचाए रखते थे और लंबे से लंबी आयु। मानव सेंटर है, इसमें क्या कुछ आपको लग रहा है, उसी उम्मीद है कि स्वास्थ्य होने की? जी जी, पूरी तरीके से उम्मीद है। आप हमारी पुरानी पद्धति रही हुई है कि हम योग योग पे बहुत बिलीव करते हैं और योग का उत्थान जो हुआ है भारत से ही हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो शिविर लगाया जा रहा है, प्राणीधाम हेल्थ वेलनेस सेंटर जो लगाया, शिविर लगाया गया है आज डॉक्टर विनय कुमार श्रीवास्तव जी के यहाँ, तो इसका मुख्य कारण यही है कि लोग में जागरूकता फैलाना कि बिना ऑपरेशन के, बिना एलोपैथिक दवाई के भी, बिना इस तरीके की कारगुजारी से भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और ख़ास तौर से कि जो पुरानी पद्धति है उस पर विश्वास किया जाए कि किस तरीके से हम अपने अनुशासित जीवन को जी सकते हैं, किस तरीके से अपने पूरे शरीर में मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, उसका संतुलन बना सकते हैं। तो इसमें एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी है, मसाज है, कपिंग है, और हमारे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर आए हैं नेशनल कोऑर्ड शशांक शेखर जी, इन्होंने बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर्स को रख रहे हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराना। तो लोगों को शिक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है कि आज जो हमारा खान पान हो गया है, उस खान पान में किस तरह अपने आप को परहेज रखा जाए और अपने आप संतुलित किया जाए अपने बॉडी को, और बिना ऑपरेशन के भी आपको उसका ट्रीटमेंट मिल सकता है। शरीर को छेड़ना इतना ज़रूरी नहीं है, शरीर को छेड़ के ऑपरेट करा के उस अंग को आप छेड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कुछ, आप खुद भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि किसी गाड़ी की सर्विसिंग कराने अगर आप जाएंगे तो गाड़ी की सर्विसिंग अगर सही तरीके से नहीं होती है तो गाड़ी आपको जब तक चल रही है तब तक परेशानी देगी। उसी तरीके से अगर शरीर को छेड़ दिया जाए और सही अगर गाइडेंस नहीं हो, सही डॉक्टर के हाथ में नहीं जाए, तो उसमें परेशानियां लगातार निरंतर उसकी बढ़ती ही जाती हैं। तो ये चीज़ है कि उसको बाहर से भी, प्राकृतिक संपदा से भरपूर हमारा भारतवर्ष है, उसको बाहर से भी उस संसाधन को ठीक किया जा सकता है। तो लोगों को ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि अपने जीवन में बैलेंस कैसे बनाया जाए। आपके स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का निर्माण होता है, तभी आप स्वस्थ विचारधारा से सामूहिक रूप से एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं पूरी तरीके से इनको धन्यवाद देना चाहूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि हमारी तरफ से जो भी सहूलियत सुविधा चाहिए मैं पूरी सुविधा इनको उपलब्ध कराऊँगी, और हम चाहेंगे कि बेतिया नगर निगम में कि इस तरीके की शिविर का आयोजन होता रहे, और ख़ास तौर से कि लोगों में ये जागरूकता फैले कि हमारे महर्षि जो योग योग करने वाले इतने बड़े बड़े संत महात्मा हुआ करते थे, कैसे अपने शरीर को इतनी तपती हुई गर्मी में भी, कड़ाके की ठंड में भी, भरी बरसात में भी, बिना तन पे कपड़ा लिए कैसे अपने शरीर को बचाए रखते थे और लंबे से लंबी आयु लेते थे। तो यही पद्धति लाने का मेरे को लगता है कि इनका विचार है, तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और पूरी तरीके से सुविधा उपलब्ध कराने में हम लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद मैडम। गरिमा शिकारिया को जिस तरह से ज़रूरत थी बेतिया को, क्या उसी तरह से फिर प्राणी धनम वेलनेस सेंटर की ज़रूरत है बेतिया को?
पूरे भारतवर्ष को जरूरत है, पूरे भारतवर्ष को इसलिए ज़रूरत है कि फिर से जीवंत करना है, हम अपना इतिहास जीवंत करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से योग बढ़ते जा रहा है, पूरे विश्व में योग शक्ति को कितने अच्छे तरीके से अपनाया जा रहा है। हम भले वेस्टर्न कल्चर में वेस्टर्नाइज होते जा रहे हों, लेकिन हमारी पद्धतियाँ बाहर के देश अपना रहे हैं, तो हमको ज़रूरत है कि अपनी चीज़ों को संजो के और उसका विस्तार करना। मैडम, इससे हट कर मेरा एक सवाल है, बेतिया का तो नगर निगम का गरिमा बढ़ चुका है, लेकिन बेतिया लोकसभा का गरिमा आपको बढ़ाएगा? लोकसभा की बात कर दी उन्होंने, आप बताएं उस पर कुछ कहेंगे? मैं इनके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपकी ये सोच है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जिस विश्वास, जिस उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ बेतिया नगर निगम की महापौर बनके, मैं जनता का विश्वास बरकरार रखना चाहती हूँ। उस शहर को नगर निगम बनाने आई हूँ, पहले मुझे इस कार्य में आप लोगों का सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। से मिलकर आपको कैसा लगा और क्या कुछ कहना? बहुत खुशी मिली, और जितना मैं सुनी थी उससे कहीं ज़्यादा हैं। पहले तो मैं इनकी गरिमामयी जीत के लिए गरिमा शिकारिया जी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई दे रही हूँ, और मैं ये चाहूँगी कि ये गरिमा इनके सिर्फ बेतिया नगर निगम तक नहीं रहे, ये जो है पूरे चंपारण में रहें, इस तरह की शुभकामना दे रही हूँ। और बेतिया वासियों को, बेतिया नगर निगम वासियों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि गरिमा जी को चुनकर और ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया, क्योंकि बहुत कंपटीशन था, बहुत चढ़ाव उपरी था, लेकिन बेतिया के लोग ने जिस तरह का अपना समर्थन किया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि अच्छे लोगों का चुनाव हर जगह हो, हर जगह गरिमा शिकारिया जैसा लोग आए और हर नगर परिषद नगर निगम की विकास हो। धन्यवाद। मैडम, जिस तरह आप यहाँ की गरिमा बढ़ाती हैं, उसी तरह पूर्णिमा भारती रक्सौल की गरिमा बढ़ाती हैं, और इनको वहाँ पे लोग लेडीज चिंगम के नाम से जानते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? चलिए, मेरी फर्स्ट मुलाकात है इनके साथ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि नारी सशक्तिकरण का उदाहरण दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम भी जानते आ रहे हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन नारियां अब आगे आ रही हैं, सिर्फ कागज़ पे नहीं, सही मायनों में वो आगे आ रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और मुझे पूरी आशा है कि इनके बारे में और भी जानने की उत्सुकता रहेगी मेरी। धन्यवाद। धन्यवाद।